राजू अपनी माँ राधिका और पिता राजेश के साथ रहता था। पिता एक अच्छी नौकरी करते थे जिससे उनका घर आराम से चल रहा था। राजू भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाता। वहाँ उसका एक रमेश नाम का दोस्त था जिसकी उससे अच्छी बनती थी। एक दिन राजू काम करते हुए थकान की वजह से सो जाता है। उसे सपने में एक हवेली दिखती है। उसे लगता है कि उसने वह हवेली कहीं देखी है। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है तो वह सोचता है ये तो सपना है। अब अक्सर उसे वह हवेली दिखने लगती है। राजू रमेश को बताता है, यार रमेश मुझे आजकल सपने में एक हवेली दिखती है। पहले तो मैंने सोचा था कि ये सिर्फ सपना है, मगर अब वो मुझे रोज दिखती है। लगता है वो मैंने पहले कहीं देखी है। रमेश बड़े ध्यान से राजू की बात सुन रहा होता है। फिर वे कहता है, राजू तू तो बेकार सोचता रहता है। कोई हॉरर फिल्म देखी होगी, उसमें भी हवेली दिखाते हैं। बस वही तुम्हारे दिमाग में घुस गई होगी, इसलिए सपने में दिखाई देती है। अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, माँ इंतजार कर रही होगी। एक दिन राजू जब सो रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई आवाज दे रहा है। वह उठता है। सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। उसे देखकर राजू डरते डरते हुए कहता है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उस हवेली का नौकर हूँ जिसे तुम सपने में देखते हो। आप अपनी हवेली को संभालो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। राजू सोचता है यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। मैं अपनी हवेली को संभालूं, मेरे तो बाप दादा ने भी कभी ऐसी हवेली देखी नहीं होगी। वह इतना सोच ही रहा होता है कि वह व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। इतने में राजू की आंख खुल जाती है। वह कहता है, अरे यह तो सपना था। मैं जो कुछ भी देख रहा था वह सब मेरा सपना था। अगले दिन वह दूसरे रास्ते से स्कूल जाता है। उसे वही हवेली दिखती है जो उसने सपने में देखी होती है। उसे वही व्यक्ति हवेली के पास दिखता है। वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। राजू क्लास में बैठा उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है, क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आज मुझे एक आदमी मिला जो कल मेरे सपने में आकर मुझसे कह रहा था कि आप अपनी हवेली को संभालो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, जो आदमी तुम्हें सपने में दिखता है वही अगले दिन तुम्हारे सामने होता है। मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। देख यार, है तो कुछ गड़बड़, ये हवेली में ही जाकर पता लगेगा। नहीं यार मुझे डर लगता है। अगर हवेली की हकीकत जाननी है तो उसमें जाना ही पड़ेगा। एक दिन दोनों हिम्मत करके उस हवेली में जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही आदमी मिलता है। वो उनसे कहता है, मालिक आप आ गए। आप मुझे मालिक क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मेरा नाम राजाराम है, मैं आपका नौकर हूँ। मालिक आपकी हत्या हुई थी, ये आपका दूसरा जन्म है। मैं जानता हूँ जिसने तुम्हारी हत्या की थी वो अभी भी जीवित है। अगर उसे पता चल गया कि आप मेरे मालिक हैं, तो वह आपको फिर से मार देगा। आप मेरे साथ एक बार हवेली में चले, शायद आपको कुछ याद आ जाए। फिर वे हवेली में जाते हैं। मालिक ये आपका कमरा है, यहाँ आप रहते थे। राजू की समझ में यह नहीं आ रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है। कौन है यह आदमी जो मेरे बारे में इतना जानता है कि पहले जन्म में मैं कौन था। वह वहां से चला आता है। राजू अपने पिता को यह सब बताता है तो उसके पिता उसे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं और तांत्रिक से कहते हैं, महाराज यह मेरा बेटा है। इसके साथ कुछ दिनों से अजीब बातें हो रही है। इसके स्कूल के रास्ते में एक हवेली पड़ती है जो बहुत पुरानी है। उसमें कोई व्यक्ति रहता है जो इसे मालिक कहकर पुकारता है। वह कहता है यह इसका पूर्ण जन्म है, यह पहले उस हवेली का मालिक था। तांत्रिक कुछ सोचता है, फिर कहता है, यह बच्चा तो भाग्य का मारा हुआ है। पिछले जन्म में इसकी हत्या हुई थी और इसकी हत्या इसकी पत्नी ने जायदाद के लिए की थी।
मगर वक्त की मार देखो, इसका एक वफादार नौकर था, उसकी हत्या भी इसी के साथ हुई थी, मगर वो आज भी इसका इंतजार कर रहा है। इसकी पत्नी तो अब रही नहीं, नौकर उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। तुम उसकी मुक्ति कराओ, पूजा पाठ करो, जिससे उसकी मुक्ति हो जाएगी, फिर वो इसे नहीं दिखेगा। तांत्रिक हवेली के आगे एक हवन करता है, जिससे नौकर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब ना तो नौकर राजू के सपने में आता है, ना ही वो हवेली। अब राजू अपनी जिंदगी आराम से जीता है।